नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों को निकालने का बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे रियाद। विदेश मंत्री पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होंगी द्विपक्षीय बैठकें। बारिश का दौर रहेगा अभी जारी। मौसम विभाग ने उत्तर समेत मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए किया जारी अलर्ट। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान गणेश का 10 दिवसीय गणेश उत्सव। चारों ओर लग रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। आज होना है 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। और खेल की खबरों में, पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज पूजा ओझा खेलेंगी पैरा कैनोइंग का सेमीफाइनल। फिलहाल भारत ने 7 स्वर्ण जीत जमाया 29 पदक पर कब्जा। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां जो हादसे की खबर सामने आई है उसमें लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात करें तो कल इमारत गिरने के हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में अब तक 28 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। मौके पर मौजूद अग्निशमन बल, SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आश्वासन दिया कि जब तक किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना होगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। टीम लगी हुई है, जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं। और इस हादसे के बाद हमारे संवाददाता विकास सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर NDRF SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। इस हादसे में टोटल 36 लोगों को निकाला गया, जिनमें 28 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। ऑपरेशन लगभग 15 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ये जारी है अभी भी। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब तक अंदर किसी के भी फंसे होने की संभावना रहेगी तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, और जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं है उसके बाद ये पूरा मलबा तेजी से एक साथ हटा दिया जाएगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। पाकिस्तान की सेना ने सार्वजनिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 के करगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने करगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की। इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है, और इससे पहले कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की गई। इसके अलावा 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल रहे
परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। पाकिस्तान शुरू से दावा करता आया कि कारगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इन कारणों की वजह से कारगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री के रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के प्रोटोकॉल मामलों के उपमंत्री ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री भारत खाड़ी सहयोग परिषद JCC की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा संभावित है। और अपने इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर GCC सदस्य देशों में अपने समकक्ष अन्य विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आपको बताएं कि भारत और GCC के बीच रणनीतिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में गहरे और बहुआयामी संबंध हैं। साथ ही GCC क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है और यहाँ लगभग 8.9 मिलियन की संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है। भारत ने अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट साइट एक्स पर जानकारी दी कि 1000 मेट्रिक टन चावल की एक खेप नहावा शेवा बंदरगाह से जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई। इसमें जिम्बाब्वे के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, तो वहीं जाम्बिया के लोगों के लिए भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी। 1300 MT खाद्यान्न की एक खेप जाम्बिया के लिए रवाना हो गई। इससे जाम्बिया के लोगों के भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मलावी को भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी। अल नीनो घटना के कारण पड़े गंभीर सूखे से निपटने के लिए 1000 मेट्रिक टन चावल की एक खेप मलावी रवाना की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 1968 के इस खास दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया भर में लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया जाए। दरअसल साक्षरता सभी के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है। साक्षरता लोगों के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करने का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया है। भारत सरकार ने भी देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हैं, जहां वो कुछ ही देर में संबोधन देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए खोज अभियान जारी है। वन विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि को गश्त करने के लिए समन्वय स्थापित किया। ड्रोन की मदद से भी भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस इलाके के लोगों से बात की है हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। पूरा इलाका सहमा हुआ है। लोग अपने खेत भी देखने नहीं आ रहे हैं क्योंकि भेड़िए के आक्रमण का डर है। लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। हमारे सामने जो रिक्शा आ रहा है उससे अनाउंस किया जा रहा है, गांव के लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कैसे वो सुरक्षित रहे और किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कि रात में किस तरह शिकार करता है वो। और ये कम से कम 8-10 गांव के क्षेत्र में अनाउंस करते हैं। 4 लोग हैं, लाठी डंडे से लैस हैं कि अगर खतरा हो तो ये उसका बचाव कर सके। कहां कहां जाते हैं और किस तरीके से लोगों को बचाव कर रहे हैं? सम्मनपुरा, नवापुरवा, टिपरा, कुमारनपुरवा, महसी, यही लोग मतलब अपने मजरे में हम जाते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि मतलब जागते सोना, अंदर पढ़ना,
दरवाजा खिड़की बंद करके पढ़ना और खुद जागो दूसरों को जगाओ। इसलिए सभी लोग साथ में कि भेड़िया हमला न कर सके, क्योंकि जो है भेड़िए से खतरा है। हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि सब लोग बाहर न लेटे, अंदर लेटे, बच्चों को अपने पास लेटा लें और बंद दरवाजे के अंदर रहें और जो किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। अगर भेड़िया लोगों का शिकार कर रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं। रात का अंधकार है, ये खेत है, गांव से दूर का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। एक तरफ पानी भरा हुआ है और एक तरफ ये हरे भरे खेत हैं। यहाँ से जाते हुए कि दूर दूर तक आवाज़ जाती है इनके जो रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है कि लोग सचेत रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रखें, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महसी, बहराइच। टाइम पत्रिका ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। अश्विनी वैष्णव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किए गए पहल के लिए सूची में शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका ने माना है कि अश्विनी वैष्णव के अगुवाई में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। इस पत्रिका में कहा गया कि हालांकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी तक कोई बाध्यकारी AI कानून नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता की है। उभरते हुए इस नए क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अध्यक्षता करना भावी नेतृत्व की ओर इंगित करता है। और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। इस क्रम में राजनाथ सिंह एक के बाद एक दो जनसभाएं करेंगे। दोपहर में जम्मू के रामबन में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही वो श्रीनगर के बनिहाल में दूसरी जनसभा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रशिक्षण का दूसरा चरण डोडा में शुरू हुआ। इस दौरान EVM से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा। दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को एक अक्टूबर को होना है। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों भारतीय वायुसेना का मल्टीलैटरल युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति जारी है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के मित्र देशों की वायुसेनाएं भी शामिल हो रही हैं। युद्ध अभ्यास के दौरान Sukhoi-30, MK-1 और स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। 30 अगस्त में शुरू हुआ ये वायु अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति के तहत आज योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के योगाभ्यास में प्रतिभागी भारतीय और भारत के मित्र देशों के वायुसेना अधिकारियों ने इस योगाभ्यास के लिए प्रसन्नता और खासा उत्साह जाहिर किया है। ये जो आज का इवेंट था, ये योगा को इंट्रोड्यूस कर रहा था हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को। काफी लोग हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से जो आए हुए हैं, उन्होंने काफी उत्सुकता दिखाई है योगा। We didn't know much about yoga, but yes, it was such a great experience. Practicing Tarang Shakti is very nice. It's yoga session is very good. It's good experience for me. It's first time to make a yoga session. My name is Lapo. I come from Italy, Italian Air Force. It was a very great experience for me. First time that I made this activity, but I feel very better now and more relaxed. देखिए इस युद्ध अभ्यास पर हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के ओपन डे पर भारतीय वायुसेना और अभ्यास में शामिल अन्य देशों की वायुसेनाओं ने अपना कौशल दिखाया। शो के दौरान सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने कौशल का परिचय देते हुए सटीक उड़ान का एक शानदार प्रदर्शन पेश किया।
युद्धाभ्यास के दौरान पायलटों ने अपने युद्ध कौशल और क्षमताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ सुखोई 30 MKI स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को मिलाकर टोटल 8 देश आए हुए हैं जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो चाहे वो BVR में हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, सारे लेसन हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। और अभी हमने काफ़ी सॉर्टीज फ्लाई की हैं एक दूसरे के साथ एंड अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के कारण इन दिनों जोधपुर का आसमान 3 रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। युद्धाभ्यास में शामिल सभी देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं। ग्रुप कैप्टन सम्राट बताते हैं कि भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आत्मनिर्भर भारत का अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। हर मिशन से पहले सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं साथ में, मिशन की प्लानिंग होती है, मिशन उड़ने के बाद हम सारे फिर से साथ में मिलते हैं, मिशन की डिब्रीफ होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि आगे जाकर बेहतर कैसे बनना है। लर्निंग बहुत ही अच्छी रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें बाकी एयरफोर्सेस से भी, तो आगे जाकर डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा ये। वर्ष 1996 में गठित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम दुनिया की बेहतरीन एरोबैटिक्स टीमों में से एक है। इस अनूठी टीम ने भारत में 500 से अधिक प्रदर्शन किए हैं, इसके अलावा विदेशों में भी कई प्रदर्शन किए हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में इस टीम ने अपनी बेहतरीन और रोचक प्रदर्शन के दम पर ये साबित कर दिया है कि एक आधुनिक लड़ाकू विमान क्या कर सकता है। हमने सुखोई 30 के मैन्यूवरेबिलिटी देखी थी जो शुरुआत में हुई थी, उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग जो एयरफोर्स के लोग आए थे उन लोग से हमने मुलाकात करी, उनके एयरक्राफ्ट जाने उनके जो ट्रेडिशन होते वो सब देखा, उसके बाद में सूर्य किरण का ट्रेडिशनल जो हुआ, उसके बाद में अपना जो LH अपना प्रचंड है, और फिर उसके बाद में उसके साथ साथ ही जो LCH हुआ था उन सब के भी हम लोग ने एक्रोबैटिक्स देखे थे जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा था सुखोई का था, उसके जो मैन्यूवर्स थे बहुत बढ़िया लगे थे, और यहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स जितने भी जेट्स हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज के बहुत बढ़िया है। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का पहला चरण अगस्त में तमिलनाडु में संपन्न हुआ था। भारत की सबसे बड़ी बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और UK की वायु सेनाएं शामिल हुई थीं। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के तहत कई देशों की वायु सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। इस वायु अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित दूसरे देशों की वायु सेनाएं साथ मिलकर ईयर टू ईयर तथा ईयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। और अब बात गणपति बप्पा से जुड़ी हुई। पूरे भारत में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इस बीच चेन्नई, कर्नाटक के हुबली और अहमदाबाद से गणेश उत्सव की झलकियां सामने आई हैं। चेन्नई में 40 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई गई जो कि 6000 पीतल की जो थम्बलम प्लेट्स हैं और 1500 कामाक्षी दीप और 350 सफ़ेद समुद्री सीपों से सजाई गई है। ये कलात्मक रचना और भक्ति का शानदार नमूना है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुणे के श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर में 42,000 महिलाओं ने गणपति आरती की। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसका संज्ञान लिया, प्रमाण पत्र दिया। वहीं कर्नाटक के हुबली में रानी चेन्नम्मा ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। बप्पा को धूमधाम और ढोल नगाड़ों के बीच लाया गया। वहीं अहमदाबाद में भक्तों ने मंगल मूर्ति गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। और
और आइए अब आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आपको दिखाएंगे एक ऐसे गणेश मंदिर के बारे में जहां प्रधान पुजारी सिर्फ महिलाएं होती हैं। देश और विदेश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर हम आपको बताते हैं एक विशेष मंदिर के बारे में जहां महिला पुजारी ही पूजा अर्चना करती हैं। ये मंदिर राजस्थान के डिडवाना कुचामन जनपद के कुचामन शहर में स्थित है। ये ऐतिहासिक मंदिर है डोंगरी गणेश जी का मंदिर। कहा जाता है कि कुचामन शहर को बसाने से पहले यहाँ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई और उसके बाद शहर को बसाया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ वर्ष 1891 से प्रधान पुजारी महिला ही बनती आई हैं। इस तरह से ये मंदिर बीते 125 सालों से भी ज्यादा समय से महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है। मंदिर में प्रधान पुजारी बबीता शर्मा के मुताबिक उन्हें प्रधान पुजारी का पद विरासत में मिला है। इससे पहले उनकी सास और उससे भी पहले उनकी सास प्रधान पुजारी थी। मेरी नानी सास, मेरी दादे सास, मेरी सासू माँ सब सेवा करते आ रहे हैं और 10 साल से मैं खुद यहाँ सेवा का कार्यभार संभाल रही हूँ। ये सब गणेश जी की कृपा है, कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कोई प्रभु की कृपा है कि सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी महिला प्रधान पुजारी यहाँ की रही है। महिला प्रधान पुजारी बबीता शर्मा के पति और मंदिर के सहायक पुजारी नाथूलाल शर्मा बताते हैं कि इस गणेश मंदिर में भगवान से मांगी हर मन्नत पूरी होती है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में भगवान गजानन रिद्धि सिद्धि के साथ सिद्धि विनायक स्वरूप में विराजमान है और पिछले 331 साल से सिंडोलिया परिवार पूजा अर्चना का कार्य करता आ रहा है। मंदिर की स्थापना से हमारे पूर्वज इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। प्रथम जो पुजारी थे वो बुद्धदेव जी गोड़ थे और उसके पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। मेरे दादी जी के माता जी दापू देवी जी के एकमात्र संतान शिव प्यारी देवी थी, तो उस समय राजा जी ने 133 वर्ष पूर्व उनको पूजा करने का अधिकार दे दिया। उस समय से इस मंदिर की प्रधान पुजारी का पद महिला ही सुशोभित करती है। स्थानीय निवासी और भगवान गणेश के भक्त अनंत तिवारी बताते हैं, राजाओं महाराजाओं के दौर में जब भी राज परिवार कोई नया काम शुरू करता था, कोई त्योहार का मौका होता था या फिर युद्ध में जाना होता था, तो सबसे पहले गणेश डूंगरी स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए जाते थे। युद्ध में जीत कर लौटने पर भी सबसे पहले गणेश जी के ही दर्शन किए जाते थे। इससे पहले जब भी राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, विवाह होता था, तो सबसे पहले यहाँ गणेश मंदिर में आते थे, उनको प्रणाम करते थे, धोक लगाते थे, उसके बाद ही कोई नए कार्य का आगाज करते थे। और आज भी वही परंपरा आज कुचामण में चली आ रही है, जो वर्षों पुरानी परंपरा है वही आज चली आ रही है। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो या और कुछ भी काम हो, सबसे पहले यहाँ गणेश डूंगरी आते हैं। कुचामण का ये गणेश मंदिर राजे रजवाड़ों के दौर से आज तक के दौर तक महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं खेलों के आखिरी दिन भी भारत को एक पदक की उम्मीद है। भारत की पूजा ओझा पैरा कैनोइंग के सेमीफाइनल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। पूजा अगर सेमीफाइनल जीतती है तो वह आज ही होने वाले फाइनल मैच में स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। फिलहाल भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 29 पदक अपने नाम कर लिए। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में F41 के इवेंट में नवदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 47.32 के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दरअसल इस प्रतियोगिता में पहले ईरान के बेत्सिया सादेग ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके चलते नवदीप का रजत पदक स्वर्ण में तब्दील हुआ। ऐसा पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में पुरुषों को जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पदक का उनके हिस्से आया। और वैसे नवदीप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे, ऐसे में इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में ज़बरदस्त सुधार किया। वहीं एशियन पैरा गेम्स में भी नवदीप को चौथा स्थान हासिल हुआ। नवदीप ने पेरिस के दर्शकों को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
में हमेशा स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहा है और मैं फ्रांस तीसरी बार आ रहा हूँ, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा फ्रांस की जो जनता है वो पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।